और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफंड्स के कारण भारत आज 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण आप सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है। तभी 4 दशक के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया है। इसके तहत अब तक 1,20,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्य पथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है। ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं है बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने में जुटी है। बीते 10 वर्षों में ऐसे हार अवरोध को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को परेशानी थी। पहले अपने ही प्रमाण पत्रों को अटेस्ट करने के लिए युवाओं को भटकना पड़ता था, अब युवा सेल्फ अटेस्ट करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ग्रुप सी ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। पहले जो विद्यार्थी सिर्फ भारतीय भाषा में पढ़ाई करते थे उनके साथ अन्याय की जाती थी। मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए। युवाओं को अब भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प भी मिला। विगत 10 वर्ष में देश में 7 नई IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 नई एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। मेरी सरकार इन संस्थानों को और मजबूत बनाकर आवश्यकता के अनुसार इनकी संस्था को भी बढ़ाएंगे। सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसे अभियान हमारे युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से आज भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में
होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए मेरा युवा भारत माई भारत अभियान की शुरुआत भी की है। इसमें अब तो 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं का पूंजीकरण हो चुका है। इस पहल से युवा में नेतृत्व कौशल और सेवा भावना का बीजारोपण होगा। आज हमारे युवाओं को खेलों में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल्स जीत रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद पेरिस ओलंपिक्स में भी शुरू होने वाले जा रहे हैं। ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हर खिलाड़ी पर हमें गर्व है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 2036 ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी की तैयारी भी कर रही है। माननीय सदस्यगण, जुलाई की 1 तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दंड देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आजादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाए हैं। आप दंड के जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। इन नई कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। आज जो विदेश अलग अलग क्षेत्रों में गुलामी की मानसिकता से मुक्त पा रहे हैं, तो ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची श्रद्धांजलि भी है। मेरा सरकार ने सीए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भविष्य निर्माण के प्रयासों के साथ ही भारतीय संस्कृति के वैभव और विरासत को फिर से स्थापित कर रही है। हाल में नालंदा यूनिवर्सिटी के भव्य कैंपस के रूप में इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मात्र नहीं थी, बल्कि वे वैश्विक ज्ञान केंद्रों के रूप में भारतीय गौरवशाली अतीत का प्रमाण थी। मुझे विश्वास है कि नई नालंदा यूनिवर्सिटी भारत को ग्लोबल नॉलेज हब बनाने में सहायक सिद्ध होगी। मेरी सरकार का ये प्रयास है कि भावी पीढ़ियों को हजारों वर्षों की हमारी विरासत प्रेरणा देती है। इसलिए पूरे देश में तीर्थस्थलों को, आस्था और अध्यात्म के केंद्रों को सजाया सुधारा जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार विकास के साथ ही विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है। विरासत पर गर्व का ये संकल्प आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्ग और सर्व समाज के गौरव का प्रतीक बन रहा है। मेरी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। अब अगले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। देश रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को भी व्यापक स्तर पर मना रहा है। पिछले महीने ही देश ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, साल भर चलने वाला महोत्सव भी शुरू किया गया। इससे पहले सरकार गुरु नानक देव जी का
550वां और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी धूमधाम से मना चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से काशी तमिल संगमम सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे उत्सवों की कोई पट्टी भी मेरी सरकार ने शुरू की है। इन आयोजनों से हमारी नई पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा मिलती है और राष्ट्र पर गौरव का भाव और मजबूत होता है। माननीय सदस्य, हमारी सफलताएं हमारी साझी धरोहर है, इसीलिए अपनाने में संकोच नहीं स्वाभिमान होना चाहिए। आज अनेक सेक्टर्स में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये उपलब्धियां हमें हमारी प्रगति और सफलताओं पर गर्व करने की अपार अवसर देती है। जो डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत इतना बड़ा चुनाव अभियान बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराए तो भी हमें गर्व होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। चुनाव से जुड़ी संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सहेज कर रखना है, इसकी रक्षा भी करना है। हमें याद रखना होगा लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाना उसी डाल को काटना जैसे जिस पर हम सब बैठे हैं। हमारे लोकतंत्रों की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने की हर कोशिश की सामूहिक आलोचना होना चाहिए। हम सभी को वो दौर याद है जो बैलेट पेपर छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ईवीएम को अपनाने का फैसला किया गया था। पिछले कई दशकों में ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तक हर कसौटी को पार किया है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी सदस्यों से अपनी कुछ और चिंताएं भी साझा करना चाहती हूं। मैं चाहूंगी कि आप सभी इन विषयों पर चिंतन मनन करके इन विषयों पर ठोस और सकारात्मक परिणाम देश को दें। आज की संचार क्रांति के युग है। मैं विघटन करी तकते लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरार डालने की साजिश रच रहे हैं। ये तकते देश के भीतर भी है और देश के बाहर भी संचालित हो रहे हैं। इसके द्वारा अफवाह फैलाने का, जनता को भ्रम में डालने का, मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है। इस स्थिति को ऐसे ही बेरोक टोक नहीं चलने दिया जा सकता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी हर दिन और उन्नत हो रही है। ऐसे में मानवता के विरुद्ध इनका गलत उपयोग बहुत घातक है। भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिंताओं को प्रकट किया है और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की है। हम सभी का दायित्व है कि इन प्रवृत्ति को रोके, इस चुनौती से निपटने के लिए नए रास्ते खोजें। माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में आज ग्लोबल ऑर्डर एक नया शक्ल ले रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों से आज भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रही है। मानव केंद्रित अप्रोच रखने की वजह से भारत आज किसी भी संकट के समय फास्ट रेस्पोंडर और ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बना है। कोरोना का महासंकट हो, भूकंप जैसी कोई त्रासदी हो या फिर युद्ध की स्थितियां, भारत भावना मानवता को बचाने में आगे रहा है।
भारत को देखने का विश्व का नजरिया कैसे बदला है, ये इटली में हुई G7 समिट में भी हम सभी ने अनुभव किया। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी विश्व को अनेक मुद्दों पर एकजुट किया है। भारत की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। इससे अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ का भरोसा मजबूत हुआ है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में चलते हुए भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। 7 पड़ोसी देशों के नेताओं का 9 जून को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेना मेरी सरकार की इस प्राथमिकता दर्शाते हैं। भारत सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश के साथ भी सहयोग बढ़ा रही है। पूर्वी एशिया हो या फिर मिडिल ईस्ट और यूरोप, मेरी सरकार कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। भारत के विजन ने ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आकार देना शुरू किया है। ये कॉरिडोर 21वीं सदी के सबसे बड़ी गेम चेंजर में एक सिद्ध होगा। माननीय सदस्यगण, आने वाला कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीते दशकों में हर चुनौती हर कसौटी पर खरा उतरा है। जो संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। आप भारत के उस भूभाग हमारे जम्मू कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थी। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र की उपलब्धियों के निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। 18वें लोकसभा में कई नई सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं। पुराने सदस्य भी नई उत्साह के साथ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्य का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जो यहाँ स्वास्थ्य चर्चा परिचर्चा होती है,
जब दुर्गमी निर्णय होते हैं तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। माननीय सदस्यगण, हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमें कुछ नीति वाणी दिए हैं, जैसे कि समान मंत्र हो समिति ही समानी की प्रेरणा दी है, अर्थात हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें, यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी। हम जब 2027 में आजादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, आज हमारे संकल्प में जो निष्ठा है, हमारी जो असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां है, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाला दौर भारत का दौर है। ये सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाव आने वाली 1000 वर्ष तक रहेगा। आइए हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में जुट जाएं, विकसित भारत बनाएं। आप सभी को मेरा बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।